38 वार्ड में बहुत बुरा हाल है, सभी जगह कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। सिवान शहर के सभी मोहल्लों में कचड़ों का अंबार लगने का मुख्य वजह है सफाई कर्मियों का अचानक हड़ताल पर चले जाना। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सिवान के सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसी को लेकर आज सिवान के कुछ वार्ड पार्षदों ने सिवान की डीएम सुश्री रंजीता से मुलाकात की और शहर में इस तरह से फैले गंदगी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद डीएम सुश्री रंजीता ने वार्ड पार्षदों से कहा कि जल्द ही नगर परिषद के अधिकारियों से बात कर इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा। सुनिए डीएम से मिलने के बाद वार्ड पार्षदों ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। देखिए, डीएम महोदया से गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने बताया अपना समस्या जो शहर में, जो सफाई का जो 12 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, आज शहर का जो हालत बहुत नरकी हालत हुआ है, जैसे सब मालूम पड़ रहा है कि महामारी यहाँ पर फैल जाएगा। महामारी के डर से बच्चों को भी, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब जगह कूड़ा का अंबार पड़ा हुआ है। जब नगर परिषद फेल हो गया, 12 दिन में समझौता नहीं कर पाया, नहीं कोई समाधान नहीं निकाल पाया, इस बेचारे सफाई कर्मियों का भी परेशानी है। उनके डेली वेज वाले आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो भी धरना बैठे हैं, उनका परिवार है, उनका रोजी रोटी नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, उनका परिवार दिक्कत में है। इसको तो समझौता होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। इसी के संबंध में हम जिला पदाधिकारी महोदया से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, एचपीडी ऑफिसर से भी बात किया उन्होंने और आश्वासन दिलवाया है कि कल इसको आप लोग बात करके, हम लोगों को भी बोला है कि आप लोग भी इसको सहयोग कीजिए, आप बात करके इसको ख़त्म कराइए। क्या लग रहा है 1-2 दिन में मामले का? हमको तो लग रहा है मैडम के बात से कि 1-2 दिन में इसको, अब सीरियस लोग लगेगा इस पर, 1-2 दिन में इसको ख़त्म हो जाएगा स्ट्राइक। जी बताइए। हम लोग अभी डीएम महोदय से मिल के आए हैं, उनसे हम लोग अपने पूरे वार्ड की समस्या रखे हैं। 38 वार्ड में बहुत बुरा हाल है, सभी जगह कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और सारा नाला ट्राली का पानी सब बाहर रोड पे आ रहा है। वही समस्या लेकर हम मैडम से मिले हैं, मैडम ने स्कूटी साहब से बात की, स्कूटी साहब बोले हैं कल हम लोग बैठक करेंगे और हम सभापति और उपसभापति से यही बोलना चाहते हैं कि आप सभी 38 वार्ड पार्षद को एक बैठक बुलाएं और इस समस्या का हल जल्द से जल्द हो निकल ख़त्म किया जाए। और जो भी सफाई कर्मी हैं उन लोग से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो आके हम लोग का सहयोग करें और इस जो धरना प्रदर्शन अपना कर रहे हैं उसको ख़त्म करें और स्वच्छ भारत